हे फ्रेंड, वेलकम टू बैक माय चैनल। जैसा कि आज आप देख रहे होंगे, इनके हमने कर रहे हैं बॉयकट, यानी गर्ल्स है ये और बॉयकट करा रहे हैं। इनके हेयर भी बहुत ज़्यादा कटे हैं, आपको दिख रहे होंगे। तो ये इतने ज़्यादा लॉन्ग हेयर हैं इनके मैम के, और देखना अभी इनके ऐसे हेयर होगा। देखो कितना अच्छा कट आया है, बहुत ही प्यारी लग रही है ये गर्ल्स। तो देखो कैसा इनका, इनके हेयर में ना इसलिए कट करा रहे हैं ये कि क्योंकि इनके हेयर में पपड़ियाँ जम चुकी है सारी, तो ये बॉय कट लेना चाह रहे हैं। इन्हें चाहिए था तो बड़ा लॉन्ग, लेकिन इनके ना एकदम पपड़ी आ जाती है, डैंड्रफ आ जाता है। मैंने उनके बारे में इन्हें बोला भी है कुछ सर्विस लेने के लिए। तो आई होप के ये पूरी वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो पूरी वीडियो ज़रूर देखो कि हमने इन्हें क्या बताया और कैसे कट किया है, और ये कौन सा कट है बॉयज़ कट। मैं लास्ट में बताऊँगा इसका नाम भी। तो आप पूरी वीडियो ज़रूर देखो इसको, जिससे कि आपको भी ऐसे ही अपने आराम से सैलून में या कहीं भी हो, आप अच्छे से एक बॉय कट गर्ल्स को किस तरह से दे। तो आप बैक से भी कर सकते हो, फ्रंट से। मैं पूरा कट बैक से ही करके दिखा रहा हूँ आपको, तो और पूरे फिंगर में कट करके दिखा रहा हूँ। तो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हेयर हैं इनके, तो इन्हें बॉय कट लेना है, आपने देख लिया भी होगा पिक में। और पूरी वीडियो देखोगे तभी आपको पता चलेगा कि बॉय कट हम किस तरह से करते हैं, और बड़ा आसान है और बड़ी जल्दी और बड़े प्यार से हो जाएगा ये हेयर कट। मैंने पूरी वीडियो कोई कट नहीं लगाया, बड़े अच्छे से दिखाने की कोशिश करी है पूरी वीडियो। आई होप कि आप सबको ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी, और बहुत ही अच्छा इनका लुक आया है बॉय कट का। बहुत प्यारा लग रही है ये गर्ल्स, बहुत ही अच्छी लग रही है। तो आप इनको अच्छे से देखोगे, मैंने इनको कुछ चीज़ें समझाई भी है जो इनकी पपड़ी थी उसके बारे में, या आगे सर्विस भी लेंगी। आप पूरी वीडियो में बने रहोगे तो आपको आगे लास्ट में पता चल जाएगा उसके बारे में भी। तो अब इनको हम पूरा फिंगर के द्वारा ही कट करके दिखा रहे हैं, लेकिन हम फिंगर के द्वारा ही नहीं, पूरा आगे हम देखते रहिए किस तरह से कट देंगे इनको। तो अभी हमने ये पूरा फिंगर में हल्के हल्के सब जगह से ले लिए चारों तरफ से। तो अब ये इस तरह आप आगे की साइड से भी ले रहे हैं, जिससे कि आप सबको दिख जाए। पर मैं ना गर्ल्स का दिखाना नहीं चाहता एकदम से, लेकिन इन्होंने बोल दिया था कि आप मेरी वीडियो बना सकते हो और यूट्यूब पे डाल भी सकते हो। तो मैंने इनकी वीडियो इसलिए बनाई है, तो क्योंकि एकदम से कोई मने कर दे तो अच्छा नहीं लगता, तो इन्होंने बोल दिया है कि वीडियो बना सकते हो। तो आप देख रहे हो कि किस तरह से हम इनका अब हम कट कर रहे हैं। तो ये कट बड़ा ही अच्छा और बड़ा ही प्यारा है, और देख रहे होगे आपके कैसे कितने ज़्यादा ख़राब हेयर हो रहे थे, और एकदम का छत्ता सा हो रहा था और उसमें पपड़ियाँ जमी पड़ी थी पूरे हेयर में, और इतना अच्छा लुक आया इनका। ये बहुत ही प्यारा बॉय कट है, और मैं इस कट का आपको नाम भी बताने वाला हूँ, इस कट का क्या नाम है। तो ये इस तरह से हमने इनका कट करते जा रहे हैं, तो देख रहे होंगे आप कितना प्यारा कट हो निकल के आएगा। अभी देखते रहिए, लास्ट में बने रहो, और बड़े आसानी से आप भी कर सकते हैं। तो इनको ना, इन्होंने बोला था कि मुझे ना कानों से ऊपर ही सारे हेयर चाहिए। तो अभी ये हम इनकी रॉन्ग साइड बना रहे हैं कानों की तरफ से। तो इस तरह से आप भी अपने, अगर किसी को गर्ल्स को बॉय कट को देना चाहते हो बॉय कट, तो रॉन्ग साइड बहुत अच्छी बनानी है आपको। जितनी ज़्यादा आप रॉन्ग साइड यानी कानों के पीछे का जो एरिया है जितना भी अच्छा निकाल सको उतना अच्छे से अच्छा दीजिए, तो उतना ही अच्छा कट आता है हमारा बॉय कट, गर्ल्स पे करो या बॉयज़ पे करो। तो ये हम आराम आराम इनको कट दे रहे हैं। अब हमने इनको पहले फिंगर में लेके काटा, अब हम इनको चेक कर रहे हैं, यानी रीचेक कर रहे हैं कहीं से छोटा बड़ा हेयर तो नहीं है। और सबसे बड़ी बात, बॉय कट में हम छोटा बड़ा हेयर नहीं छोड़ सकते, सारे हेयर इक्वल होने चाहिए। तो कोई सा भी बॉय कट करो, सारे बराबर करो, और खासकर गर्ल्स का करो तो पूरे बराबर देने ही देने हैं, कहीं से छोटा बड़ा हेयर रखना ही नहीं है। अब फिर हम ऊपर के देख रहे हैं चेक करके फिंगर के द्वारा, तो कितने, क्योंकि जो भी हमारा छोटा बड़ा हेयर होगा पूरा का पूरा निकल के आ जाएगा फिंगर में, तो इसलिए हम बार बार इन्हें चेक कर रहे हैं। आप भी अपने कट में इस तरह से चेक करिए, तो एक भी हेयर हमारा अगर हमारे ऊपर जाएगा तो फौरन रीचेक में आ जाता है। तो अब हम ये आगे का फ्रंट का थोड़ा सा एरिया इनका जो निकला होता है कलमों के पास का, वो कट कर रहे हैं, माथे के पास का, फोरहेड के पास का। तो इस तरह से हम इनकी कलम बना रहे हैं, तो देख रहे होंगे आपको कि हम अच्छे से, ये इनकी साइड कट हो रहा है, यानी पूरा साइड कट हो रहा है ये। और जैसे ही साइड कट हो जाएगा फिर हम दूसरी साइड की करेंगे। तो इसी तरह से आप सबको भी अपना कट देना है, और देख लो एक एक हेयर पूरा रीचेक हो रहा है,
कोई छोटा बड़ा हेयर भी होगा इतना सा भी, सब बराबर आएंगे और आपको दिख रहा भी होगा अच्छे से एकदम एक एक हेयर पूरा रीचेक होके अच्छे से आ रहा है हमारा। तो अब फिर हम दोबारा से रीचेक कर रहे हैं कानों की रोन साइड, तो रोन साइड को भी बार बार चेक करते रहना है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप चेक करोगे, क्योंकि हेयर जो है ना बार बार निकलता रहता है कानों के साइड का, तो आपको रीचेक करना है और इस तरह से रोन साइड बनानी है जिस तरह से बॉयज़ में बनती है, इसी तरह से गर्ल्स में भी बनानी है और बहुत अच्छी रोन साइड निकालनी है। जितनी अच्छी निकालोगे उतना, अब देखो इनका पूरा करीब करीब हो गया है। अब हम ये यहाँ से ही बैक साइड कट देंगे, यानी नेक का जो कट देंगे हम, तो वो भी हम साइड की तरफ से ही देंगे। तो देखो एकदम कितना अच्छा सारे हेयर निकल चुके हैं जो हमारे ख़राब हेयर थे, और देख रहे होंगे आप कितना अच्छा पीछे से ही आराम से आसानी से आ गया। अब जितना भी छोटा बड़ा हेयर होगा हम कॉम के सीजर के द्वारा आराम से निकाल सकेंगे। तो देखो ये इनका पूरा एक साइड और आधे पीछे की साइड भी पूरा कट आ गया है, जो एक्स्ट्रा हेयर थे वो भी निकल चुके हैं। अब इसी तरह हम दोबारा दूसरी साइड से कट कर रहे हैं पूरे। अब फिर ये भी कॉम में ही लेके करना है हमें, अब देख रहे होंगे आप कॉम से ही निकल रहे हैं। तो अब हमने ये कट लगाया है कलम में इनकी। और जब भी बॉयज़ की एक और बात बता दूं मैं आपको, और सॉरी गर्ल्स की, रोन ये बॉयज़ कट करो तो आपको जो कलम होती है ना, तो उसमें हम तिकोना यानी हल्का सा नोकीला कट देंगे गर्ल्स के, तो मैंने इनको नोकीला ही दिया है, वो बहुत अच्छा लगता है। अगर आप भी गर्ल्स को बॉयज़ कट में नोकीला कट देंगे तो हमने दे दिया। अब ये रोन साइड निकल रही है इनकी, तो इसी तरह से आप भी रोन साइड निकालते निकालते पीछे का भी ले लेना है आपको। हमारी पूरी रोन साइड पूरी परफेक्ट हो जाएगी तो तब हम ये निकालेंगे। तो दोनों साइड सेम बनानी है, पीछे की भी पूरी सेम बनानी है, और ऊपर के हेयर थोड़े से बड़े रखने हैं तीनों साइडों से, यानी बैक से और दोनों साइडों से हल्के से बड़े रखने हैं, लेकिन फिंगर में दोबारा चेक करके उसे पूरे बराबर देने हैं, हल्का सा स्लोप में देना है, बस हल्का सा, पूरे एक एक हेयर बड़े होने चाहिए, मतलब बराबर होने चाहिए सॉरी। तो देख रहे होंगे आप किस तरह से सारे कितनी अच्छी शेप आती चली जा रही है, जो जो कट निकल रहा है अब हमने ये फिंगर में लेके चेक कर रहे हैं। तो इसी तरह से आपको भी चेक करते रहना है बार बार, तो रीचेक जितना ज़्यादा रीचेक करोगे उतनी ही अच्छा शेप कट का हमारा आता जाएगा और बराबर रीचेक होते चले जाएंगे, तो एक भी हेयर नहीं निकल पाएगा एक्स्ट्रा भी। तो ये देखो पूरा हेयर निकल चुका है हमारा, तो ये अब देख रहे होंगे आप पूरी साइड बनती जा रही है अच्छे से, और फिर हमने ये कॉम के द्वारा लेके अच्छे से, और देखो एकदम आसानी से हो रहा है, कोई हमें वो नहीं करना पड़ रहा, अब फटाफट हो रहा है। अब ये जितने एक्स्ट्रा हेयर निकले हुए अब रोन साइड बनाते बनाते हम पीछे की भी पूरी साइड रोन साइड में ही ले लेंगे, जैसे उस साइड की ली है ऐसे ही इस साइड की हमें लेनी है। देखो ये आ गई आराम से और कितना अच्छा कट हो गया है। और अभी इसमें हम पूरा रीचेक करेंगे फोरहेड का भी, ऊपर के जो क्राउन एरिया है वो भी कट करने वाले हैं फिंगर की मदद से ही, तो पूरी वीडियो देखो। तो ये देख रहे होंगे इनका पूरा एक एक अच्छे से नेक शेप आ चुकी है हमारी। तो जो नीचे के हेयर दिख रहे होंगे इनको काफ़ी बड़े और काफ़ी ज़्यादा है, वो भी हम लास्ट में करके दिखाएंगे आपको। तो ये सारी जितने भी नेक में गर्दन पे जो पीछे बाल दिख रहे हैं वो सब भी निकाल के दिखाएंगे, तो वीडियो को पूरी ज़रूर देखो करो, तो जिससे कि आप जल्द से जल्द हेयर कट सीख सको। तो एक बार और हम चेक कर रहे हैं जो भी एक्स्ट्रा हेयर है सब आ गया है। तो ये जितने भी दिख रहा होगा इनकी गर्दन पे कितने ज़्यादा यानी नेक पे कितने ज़्यादा हेयर है, तो वो भी हम निकाल के दिखाएंगे आपको किस तरह से निकालते हैं। और हम रेजर से नहीं निकालेंगे, कभी भी गर्ल्स के रेजर से नहीं निकालने होते, वो मैं लास्ट में दिखाऊंगा किस तरह से निकालते हैं। तो इसी तरह से आपको पूरे अच्छे से कट देना है। तो देख रहे होंगे आप कितना जल्दी और कितना अच्छा कट होता जा रहा है, और इनको पूरा चेहरा कितना अच्छा खुल के आया है। पहले देख रहे होंगे कैसा छत्ता था और अब अच्छा से खुल के आ गया है हमारा पूरा कट।
और इनका फेस भी देखना कितना अच्छा और कितना प्यारा लगेगा कट होने के बाद। अब हमने ये पूरा तीनों साइडों का कट कर दिया है। अब ये देख रहे होंगे हम ऊपर के फिंगर की मदद से सारा कट कर रहे हैं। अब ये भी हम कट ले रहे हैं, तो इसी तरह से आपको भी फिंगर की ऊपर के जितने भी हेयर हैं ना फिंगर की मदद से ही काटने हैं आपको। तो यानी क्राउन एरिया, फोर हेड एरिया पूरा हमें फिंगर में ही लेके कट करना है, बॉयज़ का हो या गर्ल्स का हो, दोनों का, किसी का भी। तो देख रहे होंगे हमारे रीचेक में एक भी हेयर एक्स्ट्रा नहीं निकल रहा और सारे हेयर बराबर नज़र आ रहे होंगे आपके ऊपर से लेके नीचे तक और नीचे से लेके साइडों तक, सब के सब पूरे बराबर हेयर है। अब इनके हम फोर हेड पे से कट देंगे। तो ये हमने इनको फोर हेड से, आपको हो सके आपको नहीं दिख रहा हो इसमें क्योंकि हमने पीछे कैमरा लगा रखा था तो इसलिए आगे से नहीं दिख पा रहा। तो हमने ये भी अब दोनों साइड में जाके हमने पूरा इनको फोर हेड कट भी दे दिया है, सारा बराबर होते चले गए। तो सबसे लास्ट में हमें फोर हेड ही कट करना होता है, ये भी याद रखना, सबसे लास्ट में हमें फोर हेड का यानी माथे का ही कट देना है। अब ये हमारा कट हो गया है, देख रहे होंगे पूरा कंप्लीट हमारा कट हो गया है। जिनके फेस पे हेयर आए थे हेयर ड्रायर की मदद से हम वो सारे हटा दिए हैं और हल्का हल्का हेयर ड्रायर लगा दिया है इनको। अभी पूरा देखते रहना। अब हम इनको आपको किस तरह से इनकी नेक शेव करके दिखा रहे हैं, यानी ड्रोन साइड भी और पीछे की नेक शेव भी। तो छोटी मशीन की मदद से हमें पूरे के पूरे जो एक्स्ट्रा हेयर है नेक शेव वे निकालनी है हमें। तो देखो कितनी जल्दी और कितने प्यार से ये निकलती जा रही है, ड्रोन साइड हमारी भी और नेक गर्दन भी दोनों भी पूरी क्लीन हो जाएगी और इतना अच्छा लुक आता चला जाएगा इनका। अब देखना बड़ा प्यारा ही कट आया है। तो इसी तरह से आपको भी नेक शेप देनी है गल की, रेजर से कभी नहीं करना है, सिर्फ मशीन छोटी मशीन जो होती है हमारी उससे पूरा क्लीन करना है। देखो कितना अच्छा लगता जा रहा है, पूरी नेक भी सेव आ गई पूरी अच्छे से और कितना अच्छा कट। तो धीरे धीरे कट के पूरा अच्छा से आता चले गया आपको लग रहा होगा, और कमेंट में भी बताना आप सबको कितना अच्छा लग रहा है, कैसा लगा है कट कमेंट में ज़रूर बताना हमें। तो आई होप कि मुझे तो उम्मीद है कि पूरी आप सबको बहुत अच्छा कट लगेगा ये भी, जिसको भी हेयर में प्रॉब्लम हो रही है तो ये कट ज़रूर ले। और मैं इसका अब आपको इस कट का नाम भी बताने वाला हूँ। तो मैं आपको बता ही देता हूँ कि इस कट का नाम क्या है, जो भी कोई जानना चाहता है तो कमेंट में भी ज़रूर लिखना कि इस कट का नाम क्या है। इस कट का नाम हमने ही दिया है, क्लोजअप कट है ये। तो क्लोजअप कट करा दो तो बड़ा प्यारा कट हो जाता है, देखो कितना प्यारा क्लोजअप कट आ गया है इनके पूरा। तो एकदम पूरा क्लोजअप कट आ गया इनके, और हमने हल्का सा हेयर ड्रायर ही लगाया है, ज़्यादा नहीं, और एकदम प्रॉपर हेयर सेट हो गए हैं एकदम। तो देख रहे होंगे कितना प्यारा कट, कितना अच्छा लग रहा है इनका, बहुत ही प्यारा, अच्छा बहुत ही अच्छा कट आया। और ये बहुत ही खुश हुई है ये मैडम ना, बहुत ही ज़्यादा खुश हुई है अपने कट को लेके। और जो मैं बता रहा था कि इनके हेयर में पपड़िए वगैरह है वे भी मैं बताने वाला हूँ आपको, इनसे मेरी बात हो रही थी। तो अब इनका हमने पूरा कंप्लीट कर दिया है, अब हम इनको भी बता रहे हैं कि किस तरह से आपको, ये बोल रहे थे कि मुझे लॉन्ग तो करने हैं हेयर लेकिन पपड़ी आ जाती है। तो पपड़ियों के लिए हमने इन्हें बोला है आपको ना, क्योंकि जैसे ही पपड़ी आ जाती है और लॉन्ग हेयर हो नहीं पाते एकदम घुंघरालू हो जाते हैं सारे, तो मैंने इन्हें बोला है कि आप करीबन 40 डेज में हेयर स्पा लो, उससे ये होगा आपके बालों की रफनेस ख़त्म होगी, स्मूथ होंगे तो लॉन्ग करने में आपको आसानी होगी, और जो ये पपड़ियाँ बनती चली जाती है वे सब भी ख़त्म होगी। तो पपड़ियों के लिए आप सबको देखो कितना प्यारा कट लग रहा है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर दे। थैंक यू दोस्तों।